नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो मैं फिर से एक रेसिपी के साथ आ गई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं पिंडी छोले और उसके साथ बनाएंगे हम कुलचे। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये छोले भिगोने के लिए रख दिए थे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी रात के लिए भिगो करके रख सकते हैं, अगर नहीं टाइम है तो आप 7 से 8 घंटे या 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगो दीजिएगा। उससे क्या होगा, ये छोले जो है ये फूल जाते हैं। और देखिए ये कितने डबल हो गए हैं, इन्हें मैंने भिगो कर रख दिया था। 1 कटोरी छोले हैं ये। चलिए अब हम इन्हें उबाल लेते हैं। तो उबालने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। ये 1 कप छोले मैं इसमें डाल देती हूँ पानी के लिए, जिसमें हमने इसे भिगो के रखा हुआ है। और इसी के साथ हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जाएगा 2 तेज़पत्ता, छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी काली मिर्च है और 1 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग है और 6 से 7 काली मिर्च है। बस मैंने यही लिए हैं। और इसी के साथ जाएगा नमक, जो मैं आपको बीच में दिखा दूंगी। तो इसी के साथ पहले मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। 1 कटोरी में इसमें पानी डाल रही हूँ। बस इतना पानी डालना है जिससे कि छोले उबल जाए, मतलब कि छोले अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो मसाले मैंने लिए थे, मैं क्या करूँगी, 1 कपड़ा लेंगे, सूती कपड़ा ले लीजिए या कोई रुमाल ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक रुमाल लिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, आप चाहे तो ये खड़े मसाले छोलों के अंदर इसी तरीके से डाल सकते हैं या पोटली में बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं अलग से डालूँगी। और इसमें हम छोलों में कलर लाने के लिए मैं डाल देती हूँ चाय की पत्ती। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल दे रही हूँ। इससे क्या होगा, छोलों में कलर अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी बढ़ता है। तो चलिए इसे पोटली को पहले हम बांध देते हैं, इसे पकड़ेंगे और यहाँ पे एक इसी रुमाल से गांठ लगा दीजिए या इसमें रबड़ डाल दीजिए। तो ये हो गया। इसमें आप चाहे तो अनारदाना भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसे पोटली को हम कुकर के अंदर डाल देते हैं। तो ये लीजिए, अब इसे रुमाल को हम एक साइड कुकर के अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ जो हमने मसाले लिए हैं वो भी डाल देते हैं। और इसी के साथ हम छोलों के अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक कम ही डालिएगा, क्योंकि हम इसे जब मसाला बनाएंगे इसका तो उसमें भी डलेगा, इसलिए हम इसे कम डालें, इससे टेस्ट आ जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ छोलों के अंदर ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही मज़ेदार हमारे छोले बन करके तैयार होंगे। तो वो चीज़ है, अगर आपके पास अमचूर है तो आप अमचूर डाल सकते हैं, आपके पास अनारदाना है आप अनारदाना डाल सकते हैं, या आपके पास एक ये चीज़ है तो आप ये इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आंवला। तो मैं यहाँ पे एक आंवला ले रही हूँ, इससे जो है ना बहुत ही अच्छा है टेस्ट आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ये आंवला भी डाल देती हूँ। अब इसके अंदर अगर आप आलू डालना चाहते हैं आलू भी डाल सकते हैं, या अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, टेस्ट उसमें उतना ही आएगा। तो चलिए अब इसका कुकर का ढक्कन लगा के हम 3 सीटी इसमें आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस को जला दिया है, अब हम इसमें कुकर रखेंगे इस पर और 3 सीटी आने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक छोले उबल रहे हैं हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को काट लेते हैं, कुछ को पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ये देसी टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है, इनकी मुझे पेस्ट बनानी है। 1 प्याज है जिसको मैंने बारीक करके कट कर लिया है, इसे हमें कट करना है, पीसना नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, जिसके मैंने इस तरीके से लंबे करके स्लाइस कर लिए हैं, लच्छे काट लिए हैं। कुछ है मेरे पास ये लहसुन, लहसुन को थोड़ा लंबा करके कट करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करना है, इससे बहुत ही मज़ेदार हमारे पिंडी छोले बनकर तैयार होंगे। 3 हरी मिर्च ली है। तो हम लेंगे एक मिक्सर जार, उसमें हम डालेंगे ये टमाटर, हाँ क्योंकि हमें पेस्ट बनानी है तो हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। और डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, अगर आपके पास पाउडर है आप पाउडर डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं डालने वाली हूँ अदरक। इसी के साथ मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ जो मसाले को एकदम मार्केट जैसा बना देगा हमारी सब्जी को, उसमें जाएगा 1 चम्मच अनारदाना। जी हाँ फ्रेंड्स, अनारदाना ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार हमारे छोले बनकर के तैयार होंगे। तो चलिए अब मैं इन्हें सभी चीज़ों को पीस लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हमारे छोले उबल गए हैं, हम इन्हें छोले को एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए छोले हमारे कितने कलर, देखिएगा कितना कलर चेंज हो गया है, काले हो गए हैं।
अब हम क्या करेंगे, और देखिए आंवले से भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ गया है, आंवला भी अच्छी तरीके से फूल गया है। इसे निकाल देते हैं आंवले को भी, और इसी के साथ हम निकाल देते हैं ये चाय की पत्ती की पोटली, क्योंकि जो हमें फ्लेवर चाहिए था वो इसमें आ चुका है। चलिए इसे भी निकाल देते हैं। अब जो ये खड़े मसाले डाले थे हमने स्पाइसी, वो भी आप निकाल सकते हैं या इसको इसी में डाल सकते हैं, तो मैं इन्हें निकाल देती हूँ। ये देखिए अब छोलों को देख लेते हैं एक बार, छोले हमारे किस तरीके से होने चाहिए। जब छोला आप लेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये लीजिए इस तरीके से हो जाने चाहिए छोले हमारे एकदम बन करके तैयार है उबल करके। चलिए अब बनाते हैं हम इसकी ग्रेवी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पेस्ट भी पीस करके तैयार है, और यहाँ पे मैंने एक चम्मच अनारदाना डाल के इसको पीस लिया है, इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। और देखिए कलर कितना प्यारा आया है, देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। देखिए देखिए चलिए अब इसका मसाला बनाते हैं। तो छोले का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून ले रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, और धनिया तो हमने इसमें पीस लिया है मसाले के अंदर, और 1/4 टीस्पून ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जाएगा हींग, और इसके अंदर जाएगा छोले का मसाला। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून के लगभग छोले का मसाला ले लेती हूँ। अब इसे पानी डाल करके थोड़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा मसाला रेडी है, पेस्ट भी रेडी है, ये लीजिए तैयार हो गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये लीजिए पेस्ट भी तैयार है, टमाटर की पेस्ट भी हमारी तैयार है। तो छोलों का मसाला तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम डाल देते हैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल। तेल गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनने देंगे। जीरा अच्छी तरीके से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से भूनना है जिससे कि इसका ये कच्चापन निकल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। प्याज अच्छे तरीके से भून गई है, अब हम डाल देते हैं टमाटर की पेस्ट। और इसे मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। चलिए जब ये भून गई है तो इसी के साथ हमने जो पेस्ट बना करके तैयार की है मसालों की, अब हम वो भी डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भून करके तैयार हो गया है, तेल सारा ऊपर आ गया है, और देखिए मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है, कितना बढ़िया हमारा मसाला भून करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमें मसाले को भूनना है। अब आइए अब डालेंगे हम इसके अंदर छोले जो हमने उबाल के रखे हुए, छोलों को भी हम इसके अंदर पलट देते हैं। पानी सही थी पलटेंगे तो हमने पानी रखा था उसको भी इसी के अंदर डाल देंगे। ये लीजिए छोले भी हमने डाल दिए हैं, अब हमें क्या करना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़े से छोलों को मैश करेंगे, इससे क्या होगा ये क्रीमी वाले हमारे छोले बन करके तैयार हो जाएंगे। तो हमें थोड़े से को इस तरीके से मैश कर देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से छोलों को मैश कर दिया है, सभी को नहीं करना है क्योंकि इसमें हमें ये साबुत छोले भी इस तरीके से चाहिए जो दिखते भी रहें। तो इसमें नमक हमने पहले कम डाली थी, अब इसमें स्वाद के अनुसार और नमक डाल देंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि छोलों में भी हमने उबालते समय नमक डाली थी, इसलिए उसी हिसाब से नमक डालिएगा इसमें। चलिए अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास कुछ छोलों का ही पानी था, थोड़ा सा वो डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिला करके और इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अभी छोले हमारे बन करके तैयार नहीं हुए हैं, अभी फाइनल तड़का बाकी है, चलिए अभी इन्हें पकने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स छोले को भी देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पक करके तैयार हुए हैं। वाह कितना प्यारा कलर आया है, और कितने हमारे छोले पक करके तैयार है, देखिएगा है ना एकदम मलाईदार छोले।
चलिए अब इसका एक फाइनल तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पे बटर भी डाल सकते हैं या तेल से भी इसका तड़का लगा सकते हैं। या मैं ये तड़का बाद में लगा रही हूँ, आप शुरू में भी इसको लगा सकते हैं। तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे ये लहसुन जो हमने लंबा करके कट किया हुआ है। इसे भुनेंगे अच्छे तरीके से। चलिए इसी के साथ मैं डाल देती हूँ अदरक। तो इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसी टाइम पर हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी के साथ डालेंगे ये ग्रीन चिल्ली। देखिए तड़का तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, ये देखिए। और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये तभी डालना है जब आप गैस बंद कर दें, वरना क्या होगा ये जल जाएगा। चलिए तड़का तैयार है, हमारे छोले भी तैयार हैं। अब ये तड़का उस पर डाल देते हैं। तो हम छोलों के अंदर ये तड़का लगा देते हैं। आप इसे तब भी लगा सकते हैं जब आप इसे सर्व करें, या आप इसको इस तरीके से लगा करके तैयार कर सकते हैं। ये लीजिए कितने मज़ेदार हमारे ये छोलों का तड़का हो गया है तैयार। तो है ना अमेजिंग। ये लीजिए इसी के ऊपर से थोड़ा सा डाल देते हैं हमारा धनिया, और जिससे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, छोलों की रेसिपी तो हो गई है हमारी तैयार। एकदम मलाईदार हमारे छोले बन करके हो गए हैं तैयार। चलिए अब बनाएंगे हम कुलचे का आटा लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुलचे का डो लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने ये 2 कप लिए हैं मैदा। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे मैदा से बना रही हूं। आप 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने 2 कप मैदा ली है। अब यहां पे डालेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह पे इनो का पाउच भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इनो डालें तो ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ना डालें। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून ले रही हूँ मैं बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ें जाएंगी। इसी के साथ जाएगी 1 टीस्पून चीनी। चीनी को मैंने पीस करके ले लिया है, ये देखिए 1 चम्मच। इससे कोई मीठा स्वाद नहीं आएगा। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और डालेंगे हम 4 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह पर बटर या घी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ दही। दही ये घर का जमा हुआ है दही है, तो इसको भी हम मैंने यहाँ पे 4 चम्मच लिया है। ये थोड़ा खट्टा दही है, अगर मीठा है तो आप 1 कप दही ले सकते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से फेंट लेती हूँ और इसे डाल देंगे इस आटे के अंदर। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसमें। जब ये इस तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें आप गर्म दूध भी डाल सकते हैं या पानी से भी इसका आटा लगा सकते हैं। तो सॉफ्ट इस करके इसका आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मैं तो इसे पानी से ही लगा रही हूँ। अगर आपके पास दूध है तो आप दूध से भी इसको लगा सकते हैं। दूध से क्या होगा, ये थोड़े सॉफ्ट बन जाएंगे। ये लीजिए इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा आटा करके इसको लगा लेती हूँ पहले पानी डाल करके। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को आटे को इस तरीके से लगा लिया है। अब इसे 8 से 10 बार पटक दीजिए। पटकना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे ये कुलचे सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। ये देखिए और कितना सॉफ्ट आटा लगाया है मैंने, बस इसी तरीके से ये लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 से 10 बार पटकने से आटा देखेगा कितना सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए इसी तरीके से हमें ये आटा लगा करके तैयार करना है। ये देखिए, चलिए अब इसे रख देते हैं। 10 से 15 मिनट ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जगह इनो डाल लीजिएगा और गर्म दूध डाल दीजिएगा, और उसे आप बना करके हाथों हाथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसे ढक करके रख देते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गई है और हमारा डो भी एकदम रेडी हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है। ये देखिए इसमें जाली भी अच्छी तरीके से आ गई हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं और कितना सॉफ्ट हो गया है। तो हम ले लेते हैं थोड़ी सी सूखी मैदा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा पेड़ा इस तरीके से लेंगे। और बस इसी तरीके से हम इसे बना लेंगे। तो पहले हम इन्हें सभी को बना करके रख लेते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमें ये पेड़ा बना करके रेडी कर लेना है। चलिए मैं पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पेड़े बना लिए हैं। अभी कुछ बाकी के पेड़े रह गए हैं जो मैं बाद में बनाऊंगी। चलिए मैं आपको बनाना बता देती हूँ किस तरीके से हमें ये बनाना है। तो हम एक पेड़ा लेंगे और उस पर मैदा यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे। और यहाँ पे लेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर आएगा इससे। और इसी के साथ हम लेंगे ये कलौंजी। आप यहाँ पे काले तिल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कलौंजी डाल रही हूँ। अब इस पर थोड़ी सी मैदा डालेंगे ऊपर से और इसे हाथों से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और बस अब इसे बेल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको बेल लिया है। आप जौन सी भी शेप में इसे बेलना चाहते हैं, आप वो शेप में इसको बेल करके तैयार कर सकते हैं। आप ओवल शेप में कर सकते हैं या सर्कल शेप में। तो मैं यहाँ पे ये ओवल शेप दे रही हूँ। आपको जौन सा भी पसंद है आप उसी हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा बन करके रेडी है और हमने गैस पर तवा भी रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया है, आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, ये गरम हो गया है। अब हमने जो ये नान बना के रखी हुई है, वो सॉरी कुलचा, वो हम इस पे डाल देंगे। तो ये धनिया की साइड से हम इसे ऊपर रखेंगे और इस तरीके से कुलचा डाल देंगे। फिर हमें करना ये है कि इसी के साथ हमें चारों तरफ पानी लगा देना है। इससे क्या होगा, इससे फ्लफी बन करके तैयार होंगे और ऊपर से एक प्लेट या कुछ ढक दीजिएगा। एक मिनट के अंदर ये सिक करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए तब तक वो सीखता है जब तक हम इस पर दूसरा और तैयार कर लेते हैं बेल करके। तो हमने कलौंजी रख दी है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए एक साइड से सीख करके तैयार हो गया है। हम इधर की साइड इस पर घी, बटर या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिएगा। और इस तरीके से लगा करके हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, देखो कितना फ्लफी बन करके ये तैयार हो गया है। तो हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से लगा देते हैं और इसे सेक लेते हैं। एकदम करारे बन करके तैयार होंगे ये। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। पलटते पलटते वैसे सेक लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा एक कुलचा बन करके तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसी तरीके से दूसरा भी डाल देते हैं। ये अब इस पे पानी लगाएंगे चारों साइड और इसे प्लेट से कवर कर देंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं दूसरे को भी। ये तेल से सिक चुका है, इसे हम पलट देते हैं। देख कितने फ्लफी बन करके ये तैयार हुए हैं। अब इसके ऊपर से घी लगा देंगे। दूसरी साइड से भी पलट के इसको भी घी लगा देते हैं। और ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म छोले कुलचे हो गए हैं तैयार। इसे दबाते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए थोड़ा करारे करके सेक लेंगे। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा भी कुलचा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट कलर भी, देखिए कितना प्यारा आया है। इसी तरीके से हम और कुलचे को भी बना लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुलचे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे है प्याज जो मैंने लच्छे की काट के रखी हुई है, और नींबू है, दो हरी मिर्च हैं, और यहाँ हमने छोलों को भी सर्व कर लिया है। अब चलिए रखते हैं अपने गर्मा गर्म कुलचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुलचे, देखिए कितने ये मज़ेदार कुलचे बन करके हमारे रेडी हुए हैं। तो बस मैं इसी तरीके से कुलचों को सर्व कर लेती हूँ, और गर्मा गर्म खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोले हैं जिसको मैंने इधर प्याज के साथ में गार्निश कर दिया है, और यहाँ पे देखिएगा ये नींबू का एक स्लाइस है, और मैं यहाँ पे है गर्मा गर्म कुलचे। इस तरीके से बनाइए, खाइए, देखिए कितने मज़ेदार हैं ये। कलर भी देखिए, और इसके ऊपर से आप इसको बटर भी लगा करके खा सकते हैं। ये देखिए, तो मेरी रेसिपी आपको फ्रेंड्स कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए छोलों का कलर भी देखिएगा, कितना मज़ेदार है ये छोले, और कुलचे देखिए, कुलचों का भी कितना प्यारा एकदम करारा कलर आया है। तो चलिए मैं तो चलिए इसे गर्मा गर्म इंजॉय करने, आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, और तारीफ़ ही तारीफ पाइए। चलिए मैं आपको भी एक बार तोड़ के भी दिखा देती हूँ, और तो देखिए कितना सॉफ्ट है ये, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से करारा। ये देखिए, बस इसी तरीके से बनाते रहिए, खाते रहिए, और दूसरों को भी खिलाते रहिए। बहुत सॉफ्ट है ये, और बस इस तरीके से ये देखिए छोले भी एकदम मज़ेदार। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।